तीर्थराज प्रयाग में चल रहे माघ मेले में मकर संक्रांति का स्नान रविवार को भोर से प्रारंभ हो गया। साधु संतों और कल्पवासियों संग आम श्रद्धालु संगम सहित गंगा के विभिन्न घाटों पर पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं। मकर संक्रांति का पुण्य काल रविवार को है, इसलिए आज भोर से ही संगम सहित अन्य घाटों पर स्नानार्थियों की भीड़ जमा है। लोग गंगा मैया के जयकारों के साथ पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं। स्नान के बाद श्रद्धालु और कल्पवासी पूजन के साथ चावल, तिल, गुड़ आदि का दान भी कर रहे हैं। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश 14 जनवरी यानी शनिवार रात 8:21 पर हुआ। ऐसे में श्रद्धालुओं ने शनिवार को भी मकर संक्रांति का स्नान किया था। मेला प्रशासन के अनुसार कल शाम 6 बजे तक 14 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम समेत गंगा के विभिन्न स्नान घाटों पर पुण्य की डुबकी लगाई थी। पंचांग के अनुसार पर्व उदया तिथि में मनाए जाते हैं, इसलिए मकर संक्रांति का स्नान और दान का योग रविवार को है। ऐसे में आज भोर से ही संगम और अन्य घाटों पर स्नानार्थियों की भीड़ जुटने लगी है। तमाम श्रद्धालु स्नान के लिए रात में ही मेला क्षेत्र में प्रवेश कर लिए थे। चूंकि मकर संक्रांति का पुण्यकाल आज पूरे दिन है, इसलिए पवित्र संगम में श्रद्धालुओं की डुबकी देर शाम तक जारी रह सकती है। मेला प्रशासन ने भी मकर संक्रांति के स्नान को लेकर पुख्ता इंतजाम किया है। पूरे मेला क्षेत्र में संगम समेत 15 स्नान घाट बनाए गए हैं। स्नान घाटों पर काफी संख्या में चेंजिंग स्थल भी हैं। स्नानार्थियों के वाहनों को सुरक्षित रखने के लिए 8 पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। लगभग 700 हेक्टेयर में 6 सेक्टर में बसे इस मेले में 3000 से अधिक आध्यात्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व की संस्थाओं के शिविर लगाए गए हैं। मेला क्षेत्र में कोविड प्रोटोकॉल के निर्देशों का भी कड़ाई से अनुपालन हो रहा है। मकर संक्रांति के स्नान पर्व पर मेले की सुरक्षा को लेकर विशेष प्रबंध किए गए हैं। पूरे मेला क्षेत्र में करीब 5000 पुलिस फोर्स तैनात की गई है। वरिष्ठ अधिकारी देर रात से ही मेला क्षेत्र में भ्रमणशील हैं।